भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल पर देश की प्रगति व विकास में बाधक है। माधव यहां अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के चुनाव अभियान के इतर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये दोनों दल पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रदेश की प्रगति और विकास में बाधक है। कश्मीर के लिए हमारी नीति अटल जी की इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के सिद्धांत पर आधारित है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि कश्मीर से राष्ट्र को नुकसान होता है तो भारत को कश्मीर को छोड़ देना चाहिए। महबूबा के इस बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर माधव ने कहा कि कश्मीर किसी के बाप या दादा की जागीर नहीं है, यह भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। कश्मीर करोड़ों भारतीयों का गौरव है और यह गौरव बना रहेगा। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी कर देगी। इस पर माधव ने कहा इस मसले का फैसला संसद करेगी, सभी दल इस मसले का निराकरण करेंगे। हम प्रदेश में विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमें अभी इस पर ध्यान केंद्रित करने दीजिए। अनंतनाग संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सोफी यूसुफ प्रत्याशी हैं, यहां चुनाव मैदान में उतरे 18 उम्मीदवारों में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के गुलाम हसन मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी शामिल है। इस संसदीय क्षेत्र में 3 चरणों में हो रहे चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान 23 अप्रैल को शुरू हुआ और अंतिम चरण का मतदान 6 मई को होगा। वाजपेयी लाइन जो आप लोग कह रहे हैं वही जो लाइन हम सबका है, इंसानियत का, कश्मीरियत का, जमहूरियत का जो लाइन है वही लाइन हम सबका है। उसी लाइन पर हम चलेंगे, विकास की राजनीति हम करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा आज के दिन में विकास की राजनीति के लिए बड़ी बाधा यहाँ के रीजनल पार्टीज बन गए हैं। तो कल मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि आर्टिकल 370 और 35A की वजह से स्टेट जो है लॉस में है, आज महबूबा मुफ्ती ने रिएक्ट किया, वो कह रही है कि तो कश्मीर कश्मीर को छोड़ देना चाहिए अगर उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है लॉस में है 370 की वजह से। हिंदुस्तान का कश्मीर एक अविभाज्य अंग है, किसी बाप की माँ की जागीर नहीं है। हमको कह दे कि छोड़ दे, छोड़ के चले जाए, किसी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये समझ ले। ये भाषण, ये बातें, ये भाषा लोग बदले, इनको अभी भी लगता है इनके बाप जादे की परिवार की जमीन है, जायदाद है, ये नहीं है। ये हिंदुस्तान के करोड़ों भारतवासियों का शान है, हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है। तो लगातार जो है आप आर्टिकल 37 को रिवोक करने की कोशिश बात कहते हैं, जो पीछे बार जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है, कभी 35 पे, कभी 370 पे, लेकिन अमित शाह जी ने भी कहा है कि 220 में इसको हटा देंगे। क्या वो सियासी चीज पर मबनी है या एक फैक्ट? और इसे एलिनेशन नहीं लग रहा है? हमारे पार्टी का इस विषय पर का स्टैंड क्लियर है, पर ये जो भी निर्णय होगा पार्लियामेंट के अंदर होगा, पार्लियामेंट मिलकर जो भी निर्णय करेगी उसकी प्रतीक्षा करें। आज की चुनाव में हम विकास के मुद्दों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, बाकी सारे मुद्दे यथोचित स्थान पर होगा। सर ये बताइए कि अगर रिवोक करना था तो 2014 में बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? 2014 में बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? जो हमारा नेशनल हाईवे है उसकी वजह से कभी ऑन द वे करोड़ों थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जो इन शेप ऑफ मटन वेजिटेबल्स फ्रूट उसकी वजह से जो भी मेजर्स राज्य सरकार ने लिया है, मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ टेम्पररी मेजर्स है, यहाँ की परिस्थिति हालात के चलते कुछ मेजर्स लिए होंगे, वो सब टेम्पररी होंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इस राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, असेंबली के लिए भी चुनाव संपन्न होंगे और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार बहुत जल्दी इस राज्य में फिर से वापस आएगी। दो हजार चौदह में कॉम्प्रोमाइज क्यों हुआ? 2014 में क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? क्यों पीडीपी के साथ आप चली गई? क्योंकि पीडीपी का एजेंडा आपको पता।